हमारे बेटे हैं, वो हमारे महामानव महानायक महाराष्ट्रपिता रॉबिन हुड, जो हमारे देश चालक के मालक हमें ये जमीन दी है, वो गर्व की बात है। हमें उन्हें नमन करना चाहिए, उनके विचारों पे चलना चाहिए, उनके विचारों को लेकर हमें अपने समाज को जागृत करना चाहिए। मैं अपनी बातें यही कहूँगी कि आज हमारे यहाँ पर आना, यहाँ पर बैठना, आज का दिन जितनी भी हम जितना विचार ग्रहण करते हैं वो लेकर यहाँ तक ना सीमित रखते हुए अपने घर परिवार में अपने गांव में लेकर जाए और 10 लोगों को ये बातें रखें, क्योंकि हम लोग अभी जागृत हुए हैं। केवल हमें यहाँ तक जागृत नहीं रहना है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो रीति रिवाज है, उनको लेकर आगे बढ़ना है, लोगों को समझाना है, लोगों तक ये बातें पहुँचाना है। यहाँ पे बैठे प्रत्येक भाई तथा बहनों से मैं एक निवेदन करती हूँ कि आप यहाँ पर आए, आपके लिए बहुत ही गर्व की बात होगी, लेकिन यहाँ से जाने के बाद एक बोझ लेकर जाना चाहिए आप लोगों को कि हम तो जागरूक हुए हैं, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी को हमें क्या करना है, बचाना है। ये कौन बचाएगा? ये आप और हम, यहाँ पर आए हुए लोग, जितने भी तमाम भाई और बहने आए हुए लोग, जो हमें आज और कल की पीढ़ी को बचाना है। क्यों ना हम उस पीढ़ी को लेकर एक बोझ अपने अंदर उत्पन्न करें? क्यों ना हम हमारे हमारे जीवन में एक बोझ के साथ जीवन जीना चाहिए कि हम तो जागरूक हुए हैं, लेकिन हमारे समाज को बचाना है। हमारे समाज को कब बचाएंगे, कब जागरूक करेंगे? हम तो जागरूक हुए हैं, लेकिन हमारे समाज को जागरूक करना बहुत बड़ी बात है। हमारी लड़ाई है जल जंगल जमीन की, क्योंकि पता है आने वाले समय में केवल केवल जल और जंगल जमीन ही बचेगी। आज हस्तदेव के ऊपर आदिवासियों के सिवा दूसरे समाज के लोग क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्यों अपनी बातें नहीं रख रहे हैं? क्यों उनको हवा पानी नहीं चाहिए? क्या संविधान में आर्टिकल में लिखा है ना कि राजनीति निदेशक तत्व में लिखा है कि जितने राज्य के अंदर आता है पर्यावरण को सुरक्षित करना है, नदियों को सुरक्षित करना है, और हमारा जो मौलिक कर्तव्य है 51, उसमें भी लिखा है कि हर एक प्रत्येक व्यक्ति का एक कर्तव्य होता है कि वो पर्यावरण को सुरक्षित करे और जल जंगल जमीन ये नदियों इन सब को सुरक्षित करना है। तो क्यों नहीं हम आज बात कर रहे हैं? क्यों बाकी लोगों का नहीं कर्तव्य बनता है क्या? क्यों आदिवासी जो हस्तदेव के ऊपर आवाज उठा रहा है, ये बातें समझना है, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो जल जंगल जमीन की है। आने वाले समय में सिर्फ जल और जंगल जमीन ही बचेगा मेरे साथियों, ये बात आप विशेष तौर से ध्यान में रखना, क्योंकि आने वाला समय में पैसा खत्म हो जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में पैसे की चीज पैसे की वैल्यू नहीं रहेगी, सिर्फ एक चीज रहेगी, जल जंगल जमीन। ये जल जंगल जमीन को बचाने के लिए आप और हमें को हम लोगों को आगे बढ़ना है, आगे बढ़कर ये लड़ाई को लड़ना है। हमारे सोच में, हमारे विचार में, हमारा उठना बैठना, हमारा चलना फिरना हमारे समाज के लिए होना चाहिए। क्या हम लोग केवल एक दिन याद करते हैं समाज को? क्या एक दिन विचारधारा हमारे अंदर पनप जाती है? ये नहीं होना चाहिए। एक वैचारिक व्यक्ति का विचार उसका सोने से लगाकर उठने तक उसका विचार वो विचार होना चाहिए। अगर मैं जीता हूँ तो मेरे समाज के लिए जीता हूँ, अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो वो मेरे समाज के लिए कर रहा हूँ, ऐसी एक विचारधारा होना चाहिए, एक ऐसा बोझ होना चाहिए। अगर बोझ होगा प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, एक बोझ होगा समाज के प्रति, तो हमारा समाज बहुत ही जल्दी जागृत होगा। ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे महानायक महामानव राष्ट्रपिता रॉबिन हुड जो हमें मालिक हमें ये जमीन आज देकर गई है, वो इतने संघर्ष किए हैं, तो हम क्यों ना संघर्ष करें? क्यों हम उनके विचारों को उनके सिद्धांतों को लेकर क्यों ना चले? ये बातें आज की बातें जितनी बातें यहाँ पर हो रही है, प्रत्येक बात जो यहाँ तक ना सीमित रखते हुए अपने घर परिवार से लगाकर गांव में जहाँ पर अपन जाते हैं, जहाँ पर दो लोग मिलते हैं तो दूसरी बातें नहीं होना चाहिए, दूसरी बातें कुछ भी नहीं होना चाहिए समाज के सिवा। क्यों ना हम
करेगा। मेरा आप सभी से निवेदन है, कृपया एक बोझ के साथ समाज की जिम्मेदारी, समाज का हमारा जो समाज का हम लोगों ने समाज को समझा है, समाज की विचारधारा को समझा है कि समाज क्या है, समाज के प्रति हमारी जो विचारधारा हमारे अंदर आई है वो विचारधारा को लेकर एक बोझ होना चाहिए, एक बोझ के साथ जीवन जीना चाहिए। यही मेरा आज का उद्देश्य है, आप सभी को कहना चाहती हूँ कि एक उद्देश्य यहाँ से लेकर जाए, एक बोझ लेकर जाए और अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने गांव को अपन जागरूक करेंगे। सभी मैं यहाँ के टीम आयोजन को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इतना सुंदर मौका दिया कि मैं अपने दो बातें को रख सकी और आप सभी को मेरे विचार जो थे मैंने आप सबों के सामने रखे हैं। तमाम टीम करती है आयोजनकर्ता को मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देती हूँ। जोहार, जय बिरसा, जय टंट्या भील।